फ्रेंड्स, मैं हूं चरणजीत, नेचुरोपैथी और स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताऊंगी, जिसे हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, ये हमारे शरीर में दूसरे नंबर का चक्र है, जो क्योंकि हमारे शरीर में जो 7 चक्रस है उसमें सेकंड पोजीशन पे ये चक्र आता है। हमारे मूलाधार के बाद इसी का नंबर आता है। दोस्तों, ये जो हमारे क्रिएटिविटी से, हमारे अटेंशन से, नॉलेज से जुड़ा हुआ है, और ये हमारे सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन है। दोस्तों, ये हमारे जैसे कि हमारे अंदर की ब्यूटी और हमारे जो सराउंडिंग में ब्यूटी है उसे सारे से हमें परिचित कराता है। और अगर इमोशन लेवल पे देखें तो ये हमारे फ्रेंडलीनेस से, हमारे सेक्सुअलिटी से, हमारे सेल्फ वर्थ से और हमारे रिलेशनशिप से है जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर ये इम्बैलेंस है तो हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि हम जैसे कम्युनिकेट की हमारे में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। हम जो अपने पार्टनर को, हमारे फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन, जिससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसे हम ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जो हम बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है, और हम हमेशा लो सेल्फ एस्टीम में रहते हैं, लोगों से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, और हमेशा हम गिल्ट में रहते हैं। तो दोस्तों, इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल लेवल में मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे शरीर में जो बीमारियाँ आ जाते हैं, जैसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी किडनी प्रॉब्लम्स इसमें आती है, यूरिनरी सिस्टम इसमें आता है, जैसे कि हमारे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे यूरिन खुल के नहीं आता है, और जैसे कि जेनाइटल्स के बारे में बोलना चाहूँगी, जैसे कि विमेंस का है, जैसे उनको ओवरीज में, यूटरस में है, और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम रहती है, और मर्दों में भी हम देखा जाए तो उनको टेस्टिस में और पोस्टरेट ग्लैंड में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, इसे बैलेंस करना तो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है तो उन्हें जैसे डायबिटीज़ है, और इससे ज़्यादा खतरनाक भी जैसे ब्लड कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया, ये मूलाधार से जुड़ा हुआ है थोड़ा, और तो उसमें जैसे अर्थ एलिमेंट है तो उसमें स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी इसमें भी है, इस सैक्रल चक्र में भी स्टेबिलिटी है, लेकिन इसमें एक खास खूबी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट में क्या है कि जैसे कि अगर आप पानी को रोकना चाहो तो कहीं ना कहीं से वो अपना रास्ता बना ही लेता है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आएगी, कोई भी रुकावटें आएगी, तकलीफ़ें आएगी, आप कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन ढूंढ के, हल निकाल के अपना रास्ता बना ही लोगे, अपना काम कर ही लोगे। तो दोस्तों, ये चक्र बहुत ही अच्छा चक्र है, ये आप में ठहराव लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, और आप में ज़िंदगी में प्लेजर, फन, एन्जॉय लाएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशी लाएगा। तो इससे इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, ये जो 6 पंखुड़ियों का एक लोटस है जो ब्राइट ऑरेंज कलर का है, ये हमारे नाभि के नीचे 2 उंगली का मेजरमेंट छोड़ के इससे ये स्थापित है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो दोस्तों, जो लेडीज़ लोग कंसीव नहीं कर पाती है, ठीक हमारे जो लेडीज़ के जो सेक्स ऑर्गन है इसी में बैठते हैं, इसी चक्र में। तो जो लेडी कंसीव नहीं कर पाती है, उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, अगर वो इस चक्र में मेडिटेट करेगी तो उसे बहुत फ़ायदा होगा। और जो आदमियों का चक्र अगर इम्बैलेंस है तो उनमें गुस्सा बहुत रहेगा, और उनमें काम वासना बहुत अधिक रहेगी, मतलब ओवर सेक्सुअलिटी रहेगी। तो इस चक्र का जो है 6 पंखुड़ियों का, जैसे मैंने बताया, ये ऑरेंज कलर का जो कमल है, और इसका जो बीज मंत्र है वो वम है, जिसे हम लोग इंग्लिश के स्पेलिंग में देखेंगे तो VAM का उच्चारण करेंगे, और इसे अगर हम इसे मेडिटेशन में मुद्रा के साथ में करेंगे तो ये बहुत जल्दी हमको फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप कोई एक
साफ जगह देके आसन बिछा के या आप कुर्सी पे बैठना चाहे या दीवार का सहारा लेके बैठना चाहे तो आप बैठ सकते हो, क्रॉस लेग में बैठो, जैसे भी बैठो आप, लेकिन आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहनी चाहिए और बिल्कुल तनाव मुक्त, किसी प्रकार का भी आप में तनाव नहीं होना चाहिए। आप बैलेंस स्टेट में आप बैठोगे और जब हम ये मुद्रा के साथ किस प्रकार हम इसका उच्चारण करेंगे बीज मंत्र का, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। तो ये ध्यान मुद्रा है दोस्तों, इसे हम जो राइट हैंड रखेंगे हथेली, उसके ऊपर लेफ्ट हथेली रखेंगे इस प्रकार, और जो दोनों हथेलियों के जो अंगूठे हैं उनकी टिप आपस में जोड़ देंगे। ये इस प्रकार आपका जो मुद्रा तैयार है ध्यान मुद्रा, इसे हम गोदी में रख देंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, आपको राइट हथेली सीधी ऐसे रखनी है, उसके ऊपर लेफ्ट हथेली रखनी है। आप दोनों हथेलियों के जो अंगूठों की टिप है आपस में जोड़ देनी है और ये आपका ध्यान मुद्रा तैयार है, इसे हम गोदी में रख देंगे। अभी हम आंखें बंद करके और बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। 5-10 मिनट तक हम बीज मंत्र बोलेंगे। वैसे तो मैं आपको दो बार ही बोल के बताऊंगी, लेकिन आप जब आप करोगे तो 5-10 मिनट के लिए आप बीज मंत्र बोलोगे, उसके बाद आप मौन रह के अपने अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे उस पर ध्यान देंगे। तो पूरा ध्यान, लेकिन शुरू से लेकिन आखिर तक आपका ध्यान पूरा आपके स्वादिष्टाना चक्र का, जो मैंने 6 पंखुड़ियों का जो कमल की कली के टाइप का बताया, उसके ऊपर ही रहेगा थ्रू आउट। तो चलिए कैसे करते हैं, मैं मुद्रा रख ली है अपनी लैप पे, अपने गोदी में, आंखें बंद करिए, एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। वम एक और लंबा गहरा श्वास लीजिए। वम इस प्रकार आप 5-10 मिनट तक इस वम का बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद मौन रहते हुए अपना ध्यान अपने शरीर में जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं उस पे दोगे। पूरा ध्यान आपका स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर होगा। वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा जो स्वाधिष्ठान का जो लोटस है ऑरेंज कलर का जो कली फॉर्म में, वो धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियाँ खुल रही हैं, कि 6 की 6 पंखुड़ियाँ खुल रही हैं और बहुत सुंदर तरीके से खुल गया है, और उसमें से एक ब्राइट ऑरेंज कलर का ऑरा हमारे पूरे एब्डोमेन के एरिया में फैलता जा रहा है, फैल रहा है वो हमारे हर एक ऑर्गन में, हमारे हर एक सेल में फैल रहा है, हर एक उस ऑर्गन में फैल रहा है जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक है। धीरे धीरे ये एनर्जी हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से में आ रही है, चारों ओर फैल रही है, इससे हमारे शरीर में जितने भी ब्लॉक्ड एनर्जी थी, जो भी हमारे शरीर में व्याधियाँ थी, तकलीफें थी, वो सब धीरे धीरे निकल रही हैं। हमारा शरीर पूरा का पूरा एनर्जी से भर चुका है, स्वस्थ हो चुका है, शांत शीतल हो चुका है, और एक अजब सी खुशी हमारे अंदर महसूस हो रही है, प्रसन्नता हम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत मन प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहा है, हमारे अंदर उत्साह पैदा हो रहा है। इस अवस्था में कुछ क्षण इस प्रकार रहते हुए ये महसूस करिए कि आपका चक्र बैलेंस हो चुका है,
और आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हो, मानसिक और शारीरिक। धीरे धीरे आंखें खोलिए और इस अनुभव को महसूस करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।